इस तरीके से जहाज के अंदर सीढ़ियां बनी होती हैं ताकि आने जाने में लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहाज के अंदर जगह कम होने की वजह से सब कुछ बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, छोटी छोटी सीढ़ियां होती हैं, छोटी छोटी जगह होती हैं ताकि लोग एक दूसरी जगह से मूवमेंट कर सकें। इस तरीके से जहाज के जो डिपार्टमेंट है, जो कंपार्टमेंट है, वो अलग अलग हिस्सों में बटे रहते हैं ताकि जो आने जाने में लोगों को तकलीफ ना हो। हर एक जगह पर एक रूट आने का रहता है, एक रूट जाने का रहता है। इस तरीके से सीढ़ियां को जो रास्ता है वो भी ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है। जहाज के अंदर अमूमन लोग बहुत कम पहुंच पाते हैं क्योंकि लेमेन को पता नहीं होता कि आखिरकार वॉरशिप आप बाहर से देखते होंगे, समुद्र के ऊपर देखते होंगे, लेकिन अंदर से कैसा वॉरशिप होता है ये देखिए। इस तरीके से ये पूरा वॉरशिप होता है और साफ तौर पर हर एक जगह पर आपको वायर्स होते हैं, मशीनें होती हैं, वो देखती हुई मिलेंगी। सामने बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, वो देखती हुई मिलेंगी। इस तरीके से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी जो एक जो फैक्ट्री होती है वहां पर हम मौजूद हैं, लेकिन ये पूरा वॉरशिप है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि डैमेज कंट्रोल रूम क्या होता है, डैमेज कंट्रोल रूम का रोल क्या होता है। वहां पर अभी हम पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पर ये जो कंट्रोल रूम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सबसे पहले आईएनएस यहाँ पे फायर फ्लड चेक, अगर इस जहाज में फायर हो जाए या कोई फ्लड हो जाए या फिर कोई अटैक जैसी सिचुएशन हो जाए तो किस तरीके से यहाँ पर डैमेज कंट्रोल को किया जाता है। डैमेज रूम में